बुलाती हूँ, पता मैं आई भी लेकर आई हूँ। अरे सही, देखो तुमने मेरे मुंह में पानी ले आयो, बट कोई बात नहीं, जय माता दी। ये जगह मेरी फेवरेट है, जगह मैं चौथी बार आई हूँ, चार बार आ गई। बाकी जो मिर्च के पकौड़े हैं, प्याज के पकौड़े, आलू टिक्की, और तुमने नहीं खाना तो देखिए क्या प्लान है कुलदीप फिर। अब मैं तो उन्होंने करी आज कारपेट शैम्पू। हाँ वही मैं ब्लॉग में बताई थी सबको कि हमें तो टाइम लग रहा है कारपेट शैम्पू की वजह से। हाँ तो वो है कि उन्होंने पंखे लगा रखे हैं। हाँ तो वो फिर मेरे को बोल रही थी कि आपको सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस और मैं आपको क्रेडिट देती हूँ और आप रेस्टोरेंट में खाना वाना खाओ जितना मर्जी। अच्छा ऑनर्स ओके, रेस्टोरेंट में इस वाले में तो हमें नहीं खाना खाना बिकॉज हमारी पसंद का कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ और मेरा तो बर्गर फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे। हाँ guys heard that हम लोगों को यहाँ पे मिल गई है 193 अपने इस होटल में। वही हमारी हमें मिली है क्योंकि हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है बाहर, जितनी ठंड में हवा में खड़ा होना पड़ रहा है। तो थैंक यू टू दीज गाइज, हम लोग अंदर आ गए यहाँ पे वेट करेंगे। आर्यन का डायपर चेंज करते हैं, हम लोग वॉशरूम कर आते हैं और फिर हम लिफ्ट में जा रहे हैं। चलो जी ओके। क्या हो रहा है कुलदीप? यस रूम इज नॉट रेडी। हाय मेरा वेट कर रहे हैं हम लोग, अभी वेट कर रहे हैं हम लोगों को, अभी तक रूम नहीं मिला है। और सच में यार मम्मा, सच में ये सही बात है, एक्चुअली हम लोग डिजर्व करते हैं एक फ्री में। अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं तो आई एम हैप्पी। खैर हमारी तो बल्ले बल्ले होगी ना, बल्ले बल्ले होगी एक नाइट फ्री मिली हम लोगों को इस होटल में। और अब हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे, मम्मी पी रही कोकोनट वाटर, मैं पी रही हूँ अपना स्पार्किंग वाटर। पीछे है अगेन न्यूयॉर्क स्काईलाइन का व्यू, कहीं ये सब जगह से दिखता है, मैंने आप लोगों को बताया सब जगह। मम्मी आर्यन तो बहुत मिस करने वाला है आपको। सही में ये तो है। और दो दिन कह रही हूँ, बल्कि 1 वीक तक। अरे नहीं मैं भी बहुत ज्यादा मिस करूँ बहुत ही ज्यादा। अब ये अपनी पिंकू को भी बहुत ज्यादा मिस करूँगी, मेरी पिंकू ने बहुत किया है यहाँ पे। अब मैं अब आर्यन आएगा जब बड़ा थोड़ा हो जाएगा तब आप देखना, आपको लगेगा ये वही है टिंगा सा जिसे मैं छोड़ कर आई थी। अब आर्यन आएगा, दीपिका आएगी, इंडिया आएंगे, अब इंडिया आना और फिर मम्मी आएंगी, मेरा जिक्र जरूर आया कि बीवी नाक मुगा से काटती है तो हम लोगों को हमारा मामा बिल्कुल सही है ये बात। नो पर सफाई को लेकर देखो थोड़ा बहुत तो बनता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा बनता है। अब और ज्यादा बातें मत, मेरी तारीफ ना करिए इस ब्लॉग में। हमें हमारा रूम मिल गया और सेम रूम मिला है जिसमें हम लास्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे जर्जी सिटी में जहाँ ठहरे थे, सेम रूम नंबर। अभी रूम टूर क्या दूँ, ये वही किचन है जो आप लोगों ने पुराने ब्लॉग में देखी थी, ये वही डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल चेयर है जो पुराने उसमें देखा था, सेम लिविंग एरिया जो पहले देखा था, एंड द सेम रूम इज अ लाइट हमें लास्ट टाइम भी मिला था, एंड द सेम वॉशरूम। हम लोग करते थोड़ा सा रिलैक्स चिल और फिर नीचे जाते हैं और मिलते थोड़ी देर में, हम लोग फास्ट भी है तो थोड़ी सी एनर्जी भी ट्रेन आउट है, बट फिर भी पूरे जोश के साथ मिलूंगी, डोंट वरी। तब तक यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, जय माता दी।
हाँ पता नहीं अब कोई ना धीरे धीरे आदत पड़ेगी आर्यन के भी आर्यन के ना बड़ा जरूरी है अबीर की तो मैं सारी कलरिंग बुक और स्टोरी बुक सब तो यहाँ पे हमारी सवारी निकल चुकी है हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए नॉट लाइक कि कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा है वो कवर करना है सब कुछ देखा हुआ है ब्लॉग में भी दिखाया हुआ है तो बस बाहर जाके थोड़ा सा यू नो आए हैं तो जर्जी सिटी की वाइब ले लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं कुछ चीज़ भी देख लेते हैं मज़े करते हैं अभी अपना हुडी लगा लो बेटा You man dude You chicken man I will not stop you ABR Nope I'm just about the password Did I say wrong password? Yep That was a password That was not the password Par windy kitna hai aaj aaj to sach mein tabar tod kitna wind ne nacha diya hai मैं को यहाँ पे कोई पोल वोल पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा आज उड़ने के चांसेस लग रहे पूरे पूरे आर्यन को हमने हैंड ओवर कर दिया कुलदीप को आर्यन को कुलदीप ने ले लिया बिकॉज आर्यन को ना अब जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना 3.5 महीने का हो गया तो उसे है कि मुझे ना नहीं लेटना देखो अभी से इस बच्चे के मम्मी कारनामे सुनो लेटना नहीं उसे तो फिर कुलदीप ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट में रैप करके बिकॉज बहुत ठंड थी अच्छे से रैप करके ब्लैंकेट में बैठाना सिखा के जा रही है नानियों का क्या काम है नानियाँ सारे अच्छे अच्छे काम करती हैं ये भी एक माइलस्टोन है तो आज आर्यन फर्स्ट टाइम 2 मिनट बैठा वो भी विदाउट एनी सपोर्ट मैंने उसे एक वीडियो भी शूट करी है फोटोज भी खींची हैं मैं जैसे देखे यार तो मुझे तो ही बस तो गिर मत जाए दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कोई होगा यहाँ पे ना कोई कुछ फंक्शन होगा जर्जी सिटी तो हम लोगों ने यहाँ की एक गेड़ी मार ली है जो एक होता है ना मत्था टेकना अगर यहाँ आए हैं और यहीं पे हमारा होटल है कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है तो आज का प्लान यही था आज का प्लान कुछ ये नहीं था कि हमें कुछ कवर करना है कुछ घूमना है आज का प्लान यही था कि आराम से अबीर की क्लास करा के आरएसएम की क्लास करा कर यहाँ पे टाइम से पहुँच जाएंगे कल हम लोग जा रहे हैं अक्षरधाम जो कि बहुत बड़ा हिंदू टेंपल न्यूयॉर्क में खुला है बाकी आप लोग भी हमारे साथ चलो और दर्शन करो भगवान जी की अब हम लोग ऐसे बस स्ट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे हाँ अक्षरधाम देखने आओ सब देखो मम्मी ने भी बुला दिया सबको आप तो खुद इंडिया जा रहे हो आप इंडिया का अक्षरधाम देखना है इसके बाद जाके देखूंगी हाँ अभी खेल रहा है अपने प्ले सेट पे और मैं सही कह रही थी ना मामा एक बार यहाँ का नीचे का ना हो जाता ना उसके बाद ही डिनर करो बिकॉज डिनर करने के बाद हिम्मत नहीं बचेगी वापस आने की बिकॉज दिस विंड इज किलिंग अबीर अभी ऊपर है अपना जो घर से लेकर आई हूँ जो मम्मी ने मेरे लिए बनाया कुट्टू या आटे की पूरी नाल की सब्जी दही ये सब मैं लेकर आई हूँ घर से सब मैं खाने वाली हूँ और अबीर का डिनर भी घर से मैं लेकर आई हूँ दैट इज पनीर पराठा विद दही तो ये अबीर खाने वाला है मैं उस करने जा रही हूँ उसके पराठे गर्म तो देखिए यहाँ पे लाइट होगी थोड़ी ये हाँ यहाँ पे है खूब है यहाँ तो यहाँ पे हो रहे हैं अबीर के पराठे गर्म मैं पूरा ये बैग लेकर आई थी भर के इसमें पूरा हमारे स्नैक्स और खाने वाने का सारा सामान है यहाँ पे है सब्जी कुलदीप आप लोग आलू की सब्जी शेयर कर सकते हैं सर ये फेंकना है मंगा ली अब तो मंगा ली कोई बात नहीं मैं पता मैगी भी लेकर आई अरे सही मैं मैगी तो बहुत ही अच्छा किया है ना अच्छा किया ना मुझे लगा जस्ट इन केस रख लेती हूँ तो मैं इस बार मैगी भी लेकर आई हूँ देखो मेरे दिमाग ने क्या काम किया है ना तो मैगी बना के खाएंगे ठीक है ना बोलता पराठा
और मैं दही भी लेकर आई हूँ। देखो आपके लिए मैं वेजी स्ट्रॉज लाई हूँ, भूख लग रही होगी आपको भी, उसको खा दे। खोल दो। यार वही वेज सैंपलर मंगाया जिसमें क्या क्या था, टिक्की थी, समोसा था, दो तीन तरह के पकौड़े थे, मिर्च के भी पकौड़े और पकौड़े, वो भी आए। देखो तुमने मेरे मुंह में पानी ले आयो, बट कोई बात नहीं, जय माता दी। मैं मेरा तुम्हारा भी देखूंगा उधर, जब जाऊंगा तो पूछूंगा उनसे कोई नवरात्रि टाइप का कुछ है तो। नहीं नहीं मेरे पास ऑलरेडी वैसे है, बट इतना पॉइंट मत मारना, मैं अपना घर से तैयार करके आई हूँ सारा सामान। पता नहीं वो ले गया होगा। ये भी सही बात है कि कोई ले गया होगा। आपको क्या लेना है? मेरा पनीर बना था और तुमने नहीं खाना तो देखिए। तो यहाँ चल रहा है डिनर, क्या एंजॉय कर रहे हो मम्मी आप? और आज मैंने इन लोगों को बाहर नहीं जाने दिया बिकॉज मेरा है फास्ट, मैंने कहा मैं तुम लोगों का मुंह तो देखूंगी नहीं। तो तुम लोग यहीं पे आ जाओ। आलू वाले पकौड़े मम्मी, आलू वाले तो खैर फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी जो मिर्च के पकौड़े हैं, प्याज के पकौड़े, आलू टिक्की, बस मम्मी आप सब्सक्राइबर्स का भी मन करवा दो खाने का है। लग रही है अब, क्योंकि हम पूरा दिन भाग भाग के थक गए हैं और मैं खा रही हूँ व्रत का खाना, जय माता दी, क्योंकि आज मेरा फास्ट और ये खाना मैं घर से ही बनवा के लाई थी, आप लोगों को पता है, और थोड़ी एनर्जी है ड्रेन आउट, तो मैं अपना खाना खाती हूँ, इन्जॉय करती हूँ। यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।